सी 220 वोल्ट सीलिंग फैन विथ रिमोट, दिस इज अ पावर बटन फॉर ऑन और ऑफ, आई जस्ट प्रेस टू ऑन, नाउ इट्स रन। This is a one number, so indication one. जब हम दो नंबर पर प्रेस करते हैं तो लाइट दो बार जलती है और स्पीड पहले की जगह थोड़ा सा बढ़ती है। फिर हम थ्री नंबर पर प्रेस करेंगे तो LED तीन बार ब्लिंक करेगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप रेस बढ़ा रहे हैं और किस स्टेज पर है ये रेस, स्पीड मतलब स्पीड बढ़ा रहे हैं और किस स्टेज पे है। उसके बाद ये चौथे नंबर पे है, फोर्थ नंबर, 2, 3, 4, अब आपकी स्पीड और बढ़ गई है। नाउ पांचवे नंबर पे, 2, 3, 4, 5, पंखे की स्पीड और बढ़ गई है। मोस्ट ऑफ जितने भी फैन हैं हमारे उन सब में हमने 5 स्पीड दिया है। ये थोड़ा सा एक एडिशनल भी हमने बनाया है जिसमें हमने एक 6 रोटेशन का भी बेस दिया हुआ है, तो हम इसमें आप छठे नंबर पे भी जो आपका ऑप्शन है ये देखिए, छठे नंबर पे जैसे हम प्रेस किया छठे नंबर का वीडियो चालू हो गया। ये 6 नंबर पे है और जैसे ही हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, सर अभी आ रहा, आप जाना मत, अभी आने। ये तो आपको स्पीड बता दी गई है। अब इस फैन के अंदर में हमने टाइमर दिया गया है जैसे 2 आवर्स का। अब ये ब्लिंक से आपको पता लग गया कि 2 आवर्स का टाइमर लग गया, मतलब एवरी फंक्शन जब भी आप कोई भी पंखे के अंदर में वर्क करेंगे, वर्क इन द सेंस कि कोई भी चेंज करते हैं तो वो उसका इंडिकेशन आपको लाइट के थ्रू प्रेजेंट करेगा। इसमें 2 आवर्स का टाइमर है, 4 आवर्स का टाइमर है और 8 आवर्स का टाइमर है, 8 आवर का टाइमर है। और इसमें एक स्मार्ट वर्जन है, स्मार्ट आप देख पा रहे होंगे। इस स्मार्ट का मतलब होता है कि आपकी रोटेशन एक जिस भी लेवल पे आप स्टिल करना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम पे, हाई पे, जिस पे भी करना चाहते हैं वो फिक्स हो जाएगी और अपने आप धीरे धीरे पर आवर थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। वो स्मार्ट जैसे नाइट में आप बंद करके सोच पंखा चला के सो जाते हैं और सुबह तक में वो ठंड लगने जाती है, तो धीरे धीरे जब अगर आप स्मार्ट वाला ऑप्शन प्रेस करके रखेंगे तो ये पर आवर आपका स्लोली स्लोली 10 RPM 20 RPM डाउन करता जाएगा और 8-10 घंटे के बाद ये लगभग लगभग एक नंबर के रोटेशन पे आ जाएगा, इस नंबर के रोटेशन पे। देखिए आप देख रहे हैं, एक रोटेशन पे है। अब अगर आप चाहें तो जैसे मैं इसकी स्पीड 5 लेवल पे करता हूँ, मैंने स्पीड इसकी बढ़ाई। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि कभी जब घरों में धुआं या समथिंग कुछ इस तरह से दिक्कतें आ जाती है कि लगता है कि सिर्फ हवा हमें फोर्स कर रही है, हमें हवा लग रही है, हमें हवा मतलब
उस टाइम हमें हवा नहीं चाहिए फिर भी हमें हवा लग रही हो, तो इसमें एक ऑप्शन है रिज़र्व का। आप जैसे ही रिज़र्व करेंगे, पंखा पहले स्लो होगा फिर बंद होगा, और बंद होने के ठीक 10 सेकंड के बाद पंखा ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और वो उल्टा घूमेगा, जिससे जो पहले पंखा बिल्कुल स्ट्रेट डाउन में आ रहा था, मतलब बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ गिर रहा था, अब वो चारों तरफ सराउंडिंग दीवार के चारों तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। आपको सेंटर में कोई भी चीज़ को हवा नहीं लगेगी, आपको दाएं बाएं पूरे हवा रूम के दाएं बाएं में हवा लगेगी, मतलब चारों दीवारों पे हवा लगेगी, अभी बीच में नहीं गिरेगी हवा जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और ये आप किसी भी मोड पे कर सकते हैं, 1 से लेकर जो 6 का जो स्पीड का बेस है उस तक आप 6 तक कर सकते हैं। फुल फोर्स में आप चलाएं, ये पंखा आपका चलता रहेगा। इससे कभी कभी जो पंखे के नीचे सोए हुए लोग हैं जिनको हवा नहीं चाहिए, पर हवा मतलब डायरेक्ट हवा नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट हवा चाहिए, उनके लिए और बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि ये हवा फिर उनको साइड साइड से आती है, डायरेक्ट सेंटर में नहीं गिरती है। ये है BLDC सीलिंग फैन, 220 वोल्ट, 48 इंच, 30 वाट। धन्यवाद।